लेडीज एंड जेंटमैन वाम वेलकम टू सेवेंटी थर्ड मॉड्यूल द स्पिरिट ऑफ हर्मीज बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट मैकलेडन की हमने थैरीज को देखा प्रॉफिट मोटिव्स को देखा बिहेवियर्स को देखा कल्चर को देखा स्पिरिट को देखा अब हम एक मिथ्स uh, की तरफ जाने वाले इसको मिथ्स क्यों कह रहे हैं या मेथिकल क्यों कह रहे हैं यानी स्टोरीज बेस्ड स्टोरीज क्या होती हैं क्या होती हैं बड़ी बड़ी स्टोरीज़ हैं जिस तरीके से मैं अक्सर आपके साथ करता हूँ और अगर स्टोरीज ना कहूँ तो इसको अंदर कसस कहते हैं कुरान मजीद के अंदर भी बहुत सारी बातों को समझाने के लिए कसस का आ, सहारा लिया गया यानी मुख्तलिफ़ जो है फज़ीलतें बताई गई पिछले माशरों की और क्या क्या वो गुजरे कैसे कैसे गुजरे क्या क्या होता रहा सो हर मीज़ के अंदर हम देखते हैं कहीं द मेथिकल स्टोरीज ऑफ़ हरमीज़ इकॉनमिस्ट हाईलाइट द साइंस ऑफ एन अचीवमेंट ही शोज़ द विलिंगनेस टू गेट अ हेड ऑफ दर्ल्ड देखिए आप रेडी हैं आप क्या चाहते हैं कि अड ऑफ वर्ल्ड चले ये एक आइडिया है आपके पास यही आइडिया कॉमो को आता है यही आइडिया इंडिविजुअल को आता है जब इंडिविजुअल को आता है तो वो लीडर हो जाता है और कॉमो को आता है तो वो वर्ल्ड लीडिंग कंट्रीज मन जाते हैं और फिर जब वर्ल्ड लीडिंग कंट्रीज आते हैं तो यू एन में उनकी मानी जाती है और यू भी उनका चलता है फिर आई भी उनका चलता है वर्ल्ड बैंक भी उनका चलता है सो so, अगर मैं इस चीज़ को समझाऊँ सो so ये मल्टीपोलर बाई पोलर और यूनिपोलर वर्ल्ड की कहानी है आप यहाँ देखें कि अगर कोई भी ये सोचता है कोई भी मुल्क कि किस बुनियाद पर तरक्की करेगा क्या वो अपनी ताकत की बुनियाद पर वेपन की बुनियाद पर जोर के बुनियाद पर एग्रीकल्चर की बुनियाद पर इकोनॉमी की मैन्युफैक्चरिंग की बेस के ऊपर टेक्नोलॉजी में आगे जाएगा तो वर्ल्ड लीडर वो किस में बनता है चाइना क्या आपको डिजिटाइजेशन के अंदर लीड करता है, मिलता है क्या पहले आपको कोरिया नहीं मिलता था क्या आपको जैपनीज प्रोडक्ट आपको मार्केट में लीड करती नहीं मिलती थी तो बेसिकली हारमीज ये गेट अहेड ऑफ द वर्ल्ड एंड इनोवेशन एंड अर्ली अडप्शन ऑफ द टेक्नोलॉजी वेरी इंपॉर्टेंट एज एज यू गेट चाहे आप जूते बना रहे हैं जूते बनाते हुए आपने टेक्नोलॉजी को एडवांस कर लिया कम से कम टाइम में आप मैक्सिमम जूते प्रोड्यूस कर रहे हैं अच्छे से अच्छे डिज़ाइन में मेडिकेटेड 217 आपके मेडिकेटेड पॉइंट्स हैं आपके जिसम को जो जो चीज़ें चाहिए आप जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हैं वो पहले अडाप्ट करते हैं टेक्नोलॉजी ऑप्सलीट हो जाती है कैमरा होता था इतना बड़ा आप लेकर फिरते रहते थे वो एक ज़माने में वो दो ढाई लाख रुपये का सोनी का आया करता था और कहते थे कि जनाब जो वीडियो बना रहा होगा बड़ा कैमरा रखा होगा और इतनी ह्यूज चीज़ों के साथ चल रहा होगा बट स्टैचर भी आपका लगता था और स्टेटस भी लगता था कि ही एज द वन ही द वन सो अब एक मोबाइल जो है उसने उन सारी चीज़ों को आप सिलीट कर दिया अब फर्क नहीं पड़ता कि कौन कितने बड़े कैमरे से क्या तस्वीर करता है अब उसके जो है वो टेक्निकालिटी फ़र्क डालती हैं कि किसने कैसे तस्वीर ले ली बाज़ा ऐसे होता है साढ़े तीन लाख के कैमरे से तस्वीर अच्छी नहीं आ रही होती यानी मोबाइल के कैमरे से एक फोन होता है जो सिर्फ हजार हजार का है या हजार में उसने रिजल्ट बेस्ट दे दिया, तो आप क्या करेंगे? आप so, आप हो सकते है, आप कौन सी टेक्नोलॉजी को किसमेंडाप्ट कर जाएं, तो वो आपको यू मस्ट द अर्निंग आपको ये बता दें willingness to get ahead of the world. Second, innovation and in the early adoption of technology. Third, the most important, you must have to earn profit. आपको profit लेना होगा. Then is the reliance on the skill and craftsmanship. Pakistan में mainly मैं बताऊँ कि हम इस वक्त बहुत ज़्यादा पीछे हो चुके. आप जो entrepreneur इस वक्त पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, या समझ रहे हैं, या आगे thesis develop करेंगे. लिखने से भी ज्यादा कोशिश कीजिए कि प्रैक्टिकलिटी की तरफ आए अपना स्किल स्किल को बढ़ाएं अपनी स्किल फोर्स को बढ़ाएं अपनी टेक्निकलिटीज को बढ़ाएं जिसने स्किल फोर्स को नहीं बढ़ाया और अगले आने वाले वक्त तक आपके पास छः सात करोड़ स्किल वर्कर नहीं हुए पाकिस्तान किसी भी टेक्नोलॉजी में लीड नहीं कर पाएगा सो दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट सो स्किल एंड क्राफ्टमैनशिप हर मीज़ आगे क्या कहते हैं तो वो ये कि इसका टोटल आइडिया ऑफ Joe highlighting the N achievement hai, that shows the higher achievement is based on all these factors which I have uh, just told you uh, in the beginning which is the skill, earning profit, adaption, and the willingness to go ahead. Thank you very much.